पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हमने ये आपको बताने का प्रयास किया कि जो है 19वीं शताब्दी में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तमाम कारकों के प्रभाव के कारण दुनिया में एक देश से दूसरे देशों का जुड़ाव हुआ। इससे पहले भी मैं नए मार्गों की खोज तमाम बातों को आपको बता चुका हूं। अब ये बताऊंगा क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर हम भूमंडलीकृत विश्व को बन के रूप में देख रहे हैं तो उसमें देखना, मैंने बताया था आपको कि आर्थिक जो है पहलुओं के तहत तीन प्रकार की गतिविधियों का प्रवाह होता है। एक तो वस्तु में व्यापार का प्रवाह, जैसे आप कोई भी गेहूं हो, कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, एक स्थान से बनाते हैं दूसरे स्थान तक उसको बेचते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि रोजगार की तलाश, क्योंकि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हैं। और तीसरा है जो है कि लंबी दूरी वाले स्थान या अल्पावधि और दीर्घ अवधि में जो आप पूंजी लगाते हैं व्यापार में, पूंजी का प्रवाह। ये तीन कारण जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो भूमंडलीकृत विश्व के बनना में अपना योगदान देते हैं। इसी बात को समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको बात समझ में आएगी कि जो है कैसे विश्व में जो है इस उदाहरण के द्वारा विश्व के एक स्थान दूसरे स्थान से कैसे जुड़े, क्या उसमें वस्तुओं का प्रवाह हुआ, क्या रोजगार के लिए लोग तलाश अपने रोजगार के लिए तलाशने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान गए, और क्या पूंजी का क्या योगदान रहा। इन तीनों बातों को दर्शाएंगे इस उदाहरण के माध्यम से। इधर हम आपको बता दें इस नई जो विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ, इसको बताने से पहले आप ये भी ध्यान देंगे कि ये चैप्टर आज से 10-15 दिन पहले शुरू किया गया था पढ़ाने, जिसका मैंने स्टार्टिंग तो कर दिया लेकिन बीच में काफी लंबा गैप हो गया। आप सोच रहे होंगे कि सर 15 दिन पे एक दिन पढ़ा देते हैं तो इससे हम लोग की जो रेगुलरिटी है या जो एक नियमित पढ़ाई का संचालन है टूट जाता है। ये बात भी सही है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों की वजह से, व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। अब अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसी बीच में इस पाठ को, उस क्रम को, वीडियो को देखने के बाद फिर आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम जुट जाएगा और आपको फिर याददाश्त में आ जाएगी। इसलिए इस चीज को पढ़ने के लिए एक बार उस पिछली वीडियो को भी जरूर देख लें, तब आपको ये पार्ट आगे की बातें समझ में आएंगी। जो है जैसे जैसे 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी बढ़ रही थी, उसी तरह से विश्व की जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रहा था। और आज 21वीं सदी में आते आते आप देख रहे हैं पूरे विश्व की जनसंख्या में निश्चित रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि आवश्यकताओं में भी वृद्धि होगी, चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं हों। जब देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से आवश्यकताओं में वृद्धि होगी।
हम एक ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन जैसा देश अगर हम 18वीं शताब्दी में देखें तो तकनीकी, आर्थिक और अन्य पहलुओं के विश्व के देशों में अगर उसकी तुलना की जाए तो इन चीजों में वो मजबूत राष्ट्र था। लेकिन एक बात वहां भी थी कि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आवश्यकताओं की मांग, जिन भी चाहे वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। उसी तरह से खाद्यान्न की मांग, खाद्य पदार्थों की मांग जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है ब्रिटेन में बढ़ने लगी। और आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इकोनॉमिक्स का ये मूल मंत्र है कि मूल्य निर्धारण दो बिंदुओं पर होता है, मांग और पूर्ति पर। अगर कोई चीज यथावत हो और एक में परिवर्तन हो तो उसका सीधा प्रभाव मूल्य पर पड़ता है। यदि किसी चीज की पूर्ति, सप्लाई, अगर हम देखें कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, एक बराबर रखा जाए, और मांग यदि बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया तो मूल्य स्वाभाविक है बढ़ जाएगा, डिमांड घट गई तो मूल्य घट जाएगा। इसी तरह से यदि मांग यथावत है, सप्लाई बढ़ गई तो मूल्य घट जाएगा, और अगर सप्लाई घट गई तो मूल्य बढ़ जाएगा। इस पर निर्धारण ऐसे होता है, मूल्य निर्धारण आप पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स में, तो इसी बिंदु पर होता है। अगर एक लेकिन स्थिर रहना चाहिए, चाहे उसमें मांग स्थिर हो, और यदि दोनों घटता बढ़ता है, मांग में भी परिवर्तन होता है और पूर्ति में, तो मूल्य का निर्धारण थोड़ा कठिन हो जाता है। अब आइए इस परिस्थिति को हम इस प्रकार से अवलोकन करें कि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खाद्यान्न की पूर्ति में या उत्पादन बढ़ा नहीं, यथा स्थिति है। लेकिन डिमांड, मांग जनसंख्या बढ़ने के कारण बढ़ गई, तो जब मांग बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि खाद्यान्न का मूल्य बढ़ जाएगा। उसके एक कारण और भी था, जैसे केवल यही कारण नहीं था मूल्य बढ़ने का ब्रिटेन में, एक आया कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ, ये कॉर्न लॉ क्या है इस पर भी विचार किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में मक्का उत्पादन अच्छा खासा होता है और वहां के जो किसान थे, जमींदार थे, वो मक्का बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मक्का विदेशों से आयात भी किया जाता था। ऐसा हुआ कि जमींदारों ने सरकार पर दबाव डाला और उस दबाव में आकर सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वाभाविक है कि जब आयात पर प्रतिबंध लगा मक्का के, तो जो सप्लाई थी, जो पूर्ति थी, और कम हो गई। और जब कम हो जाएगी, डिमांड वही है, तो निश्चित है कि मूल्य बढ़ जाएगा। और इस घटना से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए, और जब खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गए तो निश्चित रूप से जनमानस में एक असंतोष का भाव आएगा। इसी को हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। कॉर्न लॉ क्या है? कॉर्न लॉ यह है कि जमींदारों के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण ब्रिटेन में खाद्यान्न वस्तुओं के मूल्य अत्यधिक बढ़ गए। इसी को हम कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। तो कॉर्न लॉ क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कॉर्न लॉ की परिभाषा यह है। लेकिन इससे जन साधारण वर्ग या नगरों में रहने वाले उद्योगपति या
बुद्धिजीवी, वे लोग इससे प्रसन्न नहीं थे, इस घटना से उनको काफी नाराजगी थी। और उन लोगों ने जो बुद्धिजीवी थे, जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने कार्नला को हटाने की मांग की, यानी मक्का पर जो आयात रूपी प्रतिबंध लगा है उस पर सरकार पर दबाव डालकर आयात को समाप्त करने की कोशिश। और इसका परिणाम भी अच्छा निकला कि सरकार ने इन लोगों की बातों को मानकर कार्नला को वापस लिया और पुनः जो है मक्का का आयात शुरू किया। अब इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि पहले की अपेक्षा ब्रिटेन में खाद्यान्न मूल्य काफी गिर गए, काफी नीचे आ गए। अब इससे जो है एक प्रकार से कहा जाए तो समस्या का निराकरण हुआ, लेकिन हमारी जो इस घटना को लेकर बताने की जो मूल्य असली बात है वो तीन बातों पर है कि वस्तुओं का प्रवाह, व्यक्तियों का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह, ये तीन बातों पर चल इस घटना को बता रहे हैं। उसी के परिपक्ष में इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं। इस घटना ने क्या, अगर वस्तु आयात होती है या निर्यात होती है तो वस्तुओं का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। यही तीन चीजों की हम इस करेंगे आपको, क्योंकि आप जो ब्रिटिश सरकार थी अगर उसको देखा जाए तो वो कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में पूर्णतः सफल नहीं थी, अयोग्य थी, क्यों प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी? क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो जो भूमि था ब्रिटेन में, विशाल भूमि जो है खेती योग्य नहीं था, या कहा जाए कि बंजर, जिसके कारण हजारों लोग या उनमें उत्पादन नहीं होता था, अच्छी भूमि नहीं थी तो हजारों लोग अपनी जीविका खो देते थे। खेती करने का जो उनका जो उससे आय होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती थी, तो उसका प्रभाव क्या होता था कि तमाम लोग अब खेती छोड़कर अपनी जीविका को चलाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर प्लान करने लगते थे, तो व्यक्ति का प्रवाह भी मिल गया। अब एक बात रही पूंजी की, दो घटनाएं हमने, अब इसी को अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्नला का क्या प्रभाव पड़ा, कार्नला के उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ा, या कार्नला समाप्त हुआ तो क्या उसका प्रभाव आया? पहला तो इस प्रभाव आया, सबसे पहला प्रभाव कि ब्रिटेन में जो है मूल्य खाद्यान्न के गिर गए, जिससे खाद्यान्न वस्तुओं की मांग बढ़ गई। और यही नहीं, ब्रिटेन में उद्योगों का भी विकास हुआ उसी के साथ साथ तेजी से, और इसके कारण लोगों की आय भी बढ़ी और निरंतर जो है खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ने लगी। तमाम नए नए उत्पादों को बाहर से आयात या निर्यात करने के लिए बंदरगाह, रेलवे स्टेशन आदि बनाए जाने लगे, आवासों का प्रबंध शुरू हो गया। और इसमें आपको इन कामों को करने के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहां पूंजी और श्रम का भी प्रभाव दिख रहा है। मैं तीनों बातों का प्रभाव करा रहा हूं, इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वस्तुओं का प्रवाह, व्यक्तियों का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो आयात निर्यात जब कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्रवाह तो हो गया, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान गया, शहरों को गया या अन्य देशों को गया, तो व्यक्ति का प्रवाह हो गया। और जब आप इन व्यवस्थाओं के लिए, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, आवास, तमाम प्रबंधन करते हैं, तो इसमें पूंजी और श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये तीनों चीजों का जो है प्रवाह बढ़ने लगा। यही नहीं, तमाम
यूरोप के लोग अपने जीवन की तलाश में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देश, जीवन का मतलब यहाँ है रोजगार से, कि अपने जीवन को चलाने के लिए रोजगार पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देशों में प्रवास करने लगे, जाने लगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो 19वीं सदी की प्रारंभ होते होते या 18वीं सदी के अंत तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, विश्व स्तर पर कृषि का अर्थव्यवस्था का विकास हो गया, क्योंकि ये तीनों चीजें प्रवाहित आवागमन होने लगा। क्योंकि इसमें केवल, हम ये नहीं कहेंगे कि केवल जो है, उसमें तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान है, इन प्रवाह में तकनीक का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप देखते होंगे कि रेलों से, जहाजों से, जो रेल जहाज हैं वो तकनीक है, उनके द्वारा तमाम भोजन हजारों हजारों मील दूर चला आता है। यही नहीं, मांस भी चला आता है। अब आप कहेंगे कि मांस जैसा जो है वस्तु तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें भी तकनीक का प्रयोग। आइस मांस, आइस माने बर्फ युक्त मांस, मांस को बर्फ में रखकर उसको कई दिनों तक प्रयोग में लाया सकता है। तो इसमें तकनीक का योगदान ने भी हम कह सकते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास जो है वैश्विक स्तर पर कर दिया। अगर आप भारत जैसे देशों को भी देखेंगे तो भारत जैसे देशों में भी काफी इसका, इस विकास का प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत में भी उस 19वीं सदी में धीरे धीरे आप देखेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग पर निर्भरता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ी। लगभग हम 19वीं सदी में की बात करें तो लगभग विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितने तेजी से विकास हुआ। तो इस घटना के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश किए कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही, उसमें तकनीक का, मैंने पहले भी बताया कि 19वीं शताब्दी में विश्व में तकनीक की जो भूमिका थी बड़ी अहम थी, क्योंकि तकनीक ने ही इसको आगे बढ़ाया। रेल, जहाज, स्टीमर या आइस मैंने बर्फ का कहा, या टेलीग्राफ, तमाम ऐसे यंत्र जिनके कारण ये संभव हो पाया कि वस्तु को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सके। तो इसमें तकनीक का बहुत ही अहम भूमिका रही, क्योंकि आप देखिए मांस, मक्खन, अंडा, मछली, जो उत्पाद ऐसे हैं कि जो एक से दो दिन में खराब हो जाने वाले हैं। अभी मांस को आप इतने वक्त काट दीजिए या मछली को रख दीजिए, तो अगर मछली पता चलेगी कि दो चार घंटे में सड़ जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेगी। लेकिन यदि वही उसमें तकनीक का प्रयोग हो गया तो आप उसको 15 दिन, महीनों खाने योग्य रख सकते हैं। और जब वो चीज 15 दिन महीनों रहेगी तो निश्चित है तब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में याद आसानी होगी। तो तकनीक के मांस जैसे या ऐसे जैसे चीजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगम बनाया। और यही नहीं, अगर आप देखें बहुत से देश ऐसे हैं जिन देशों में प्रमुख आहार ही है अंडा, मांस जो है मक्खन, ये उनका प्रमुख आहार बन गया। अब आइए बात करें कि 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद क्या, किस प्रकार की परिस्थितियां रही। आप जानते हैं ये वह दौर था जब 20वीं सदी की शुरुआत आने वाली थी और 19वीं सदी समाप्ति की तरफ जा रहा था। और उसमें अगर देखा जाए तो श्रम, पूंजी, व्यक्ति और वस्तु का प्रवाह बहुत ही तीव्र हो गया था और इसके कारण व्यापारिक रूपी बाजार विस्तृत हो गया था।
और इस व्यापार के बाजार विस्तृत होने के कारण जो मजबूत राष्ट्र थे उनकी चाहत भी बढ़ गई थी, वो नए नए बाजारों के आर्थिक सामाजिक तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए वो अधिक से अधिक देशों को अपने संरक्षण में रखना चाहते थे। और इसी के कारण ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम तमाम ऐसे देश शक्तिशाली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने औपनिवेशिक व्यवस्था में कूद पड़े। और ऐसे उसका परिणाम आप जानते हैं कि ऐसी औपनिवेशिक व्यवस्था जो शुरू हुई उस व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध को भी जन्म दिया। तो चलिए ये बात आप जान गए कि उपनिवेशवाद की भी शुरुआत, या कहा जाए कि इस कारण से औपनिवेशिक राज्यों की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि एशिया और अफ्रीका, क्योंकि 1890 के दशक में अफ्रीका में तेजी से फैलने वाला पशु महामारी आया जिसमें 90% पशु जो है मर गए। और जब पशु मर गए तो वहां के जो खाद्यान्न, बागान, खादान जो पशुओं पर आधारित उद्योग थे वो भी ठप पड़ गए। लेकिन उनको पुनः स्थापित करने के लिए अपने उसी व्यवस्थाओं में दूसरे दूसरे देशों से लोगों ने आकर उनको फिर से मजबूती, पूंजी और श्रम सब कुछ लगाकर स्टार्ट किया। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी अपने उसीकरण बढ़ा। यही नहीं, भारत में भी अनुबंधित मजदूरों का प्रवास हुआ, जिसके आप गिरमिटिया कहते हैं। ये गिरमिटिया क्या होता है भाई, जरा इस पर बात कर लिया जाए। और आज मैं केवल यहीं आप समाप्त करूंगा कि ये गिरमिटिया जो है मजदूर क्या होते हैं। क्योंकि पूछ जाते क्या भारत में गिरमिटिया मजदूरों से आप क्या समझते हैं, भारत के गिरमिटिया मजदूरों से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि एक पूंजीपति या नियोक्ता भी कह सकते हैं उसको एक शब्द में, एक पूंजीपति जब एक व्यक्ति से निश्चित समय के लिए 2 साल, 5 साल, 6 महीना एक निश्चित राशि के बदले अनुबंध करता है और उस अनुबंध के द्वारा आप बंध जाते हैं, और तो वह जो व्यक्ति बंधता है उसी को हम अनुबंधित मजदूर या गिरमिटिया कहा जाता है। पहले क्या था, पहले जो ये औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत कह लीजिए या तमाम व्यापार करने के दृष्टिकोण से तमाम अधिकांश राज्य जो भारत आए, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, तमाम देशों के जो व्यापारी भारत में आए, तो उन लोगों ने गिरमिटिया मजदूर यानी एक राशि, निश्चित राशि देकर एक निश्चित समय के लिए मजदूरों को अनुबंध किया और उनको अपने देश ले गए और उस अनुबंध के अनुसार उनसे काम लिए, इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अब गिरमिटिया मजदूरों का प्रभाव यह भी रहा कि बहुत से ऐसे गिरमिटिया मजदूर हैं जो वहां के निवासी हो गए और उसीलिए उनको भारतीय मूल का कहा जाता है। वो जब गए उस, सोच लीजिए 19वीं शताब्दी में गए, आज 21वीं शताब्दी में वहीं बस गए। तो बहुत से ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जिनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर रहे हैं। तो और ऐसा आदमी गरीबी अपनी आजीविका को चलाने के लिए इस प्रकार के अनुबंध करता था या मजबूर था करने के लिए, बाध्य था। अब हम कल आपको बात करेंगे कि जो है, ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा कि तमाम मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना,
तमाम ऐसे जगह, सिलोन, और भारत के अंदर भी, क्योंकि भारत में भी जो चाय की बागानों का उस समय था, चाय की बागानों के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो तमाम, चाहे वो सिलीगुड़ी हो पश्चिम बंगाल में, ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ चाय की बागानों का उत्पादन था, वहाँ मजदूर गए अन्य स्थानों से, तो उनके जाने के स्थानों के बारे में बात हुई। अब हम कल बात करेंगे कि जो है इन गिरमिटिया मजदूरों के बारे में मैं बताया। खैर, गिरमिटिया मजदूरों का शोषण भी हुआ, क्योंकि अनुबंध कुछ और होता था और वहाँ जाने के बाद परिस्थितियाँ थोड़ा बदल भी जाती थी, ये मुकर भी जाते थे, शोषण भी करते थे। तो बड़ी एक तरह से कहा जाए कि गिरमिटिया मजदूरों की जो स्थिति थी वो दयनीय हुआ करती थी। लेकिन कल बताएंगे कि 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक दृश्य परिवर्तन कैसे हुआ, क्या इसकी रूपरेखा रही। कल यहीं से शुरू करेंगे अगले दिन कि 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक दृश्य में परिवर्तन कैसे हुआ। और हम आशा करते हैं कि दो तीन चीज़ें मैंने आज बताया आपको। एक तो बताया, क्रम मैंने शुरू किया कि वस्तुओं का प्रवाह, लोगों का प्रवाह और पूंजी और श्रम का प्रवाह। इसको मैंने कार ब्रिटेन में मक्के के उदाहरण से, जिसको आप कार्ला से समझाने की कोशिश की। फिर बात आई उसी के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था का, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मैंने तकनीक की भूमिका को बताया कि तकनीक ने क्या योगदान दिया, किस तरह से उसने वस्तु पूंजी या प्रवाह को आगे बढ़ाई। फिर उसमें उपनिवेशवाद कैसे शुरू हुआ इसकी भी बात की, और उसी उपनिवेशवाद के तहत भारत में गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति का भी मैंने वर्णन किया। आज इतना, फिर कल से हम बात करेंगे सांस्कृतिक दृश्य की। तो आप इतना पढ़ के हम पूछेंगे कि आपसे कि जो है गिरमिटिया मजदूरों का क्या अभिप्राय है, चकारला से आप क्या समझते हैं, तो आप आंसर दे सकें। ऐसा ना हो कि आप आंसर ही ना दे सकें, तो पढ़ के, और जो भी आपको कठिनाई अगर आती हो तो आप कुछ, जैसा कि पहले ही बता दिया गया, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपनी समस्याएं भेजें, उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।